सुमित विश्वकर्मा लिखते हैं कि प्रणाम गुरुदेव, क्या डेथ के टाइम में इतना होश से भरा जा सकता है कि हम ये देख पाएं कि हमारे शरीर मन के साथ क्या होता है? बेशक बहुत सारे लोग बहुत सचेतन रूप से अपना शरीर छोड़ पाए हैं, छोड़ पाते हैं। पूरी जीवन शैली सार के रूप में अपना काम करती है। अगर अपने पूरे जीवन को बहुत सचेतनता से जिया है, बहुत होश से जिया है, माइंडफुल्ली जिया है, अवेयरनेस से जिया है, तो जब मृत्यु का क्षण होगा तो पूरी उम्मीद करी जा सकती है कि उसको देखा जा सके, महसूस किया जा सके। कई लोगों के बारे में तुमने सुना होगा, मैंने भी पढ़ा है, सुना है, देखा भी है अपनी आँखों से, कि वो पूरे होश से भरे हुए सचेतनता से अपने शरीर को छोड़ पाते हैं। अब शरीर और मन में क्या हो रहा होता है, निश्चित ही इसे भी महसूस किया जा सकता है। क्योंकि जब शरीर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, एक इतनी बड़ी घटना घट रही है, तो वो जो रहस्य है वो वहाँ पर खुलेगा, प्रकट होगा, लेकिन वो उसी क्षण पता चलेगा, संभव पूरी तरह है। तो क्षण प्रतिक्षण का जीवन हम कैसे जी रहे हैं, इसी पे सब निर्भर करेगा, और संभव बेशक है।